The Wire. झारखंड में मोहम्मद तबरेज अंसारी की माऊ ब्लीचिंग से हुई हत्या के साथ देश में एक बार फिर मुस्लिम समाज में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। आज यहां ऐतिहासिक जामा मस्जिद में मजलिस एहरार इस्लाम हिंद की ओर से बुलाए गए पत्रकार सम्मेलन में शाही इमाम पंजाब मौलाना हबीब उर रहमान सानी लुधियानवी ने दो टूक कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें माऊ ब्लीचिंग को रोकने में नाकाम साबित हुई हैं। आए दिन देश भर में निहत्ते और बेगुनाह व्यक्तियों को सिर्फ उनके धर्म के आधार पर पीट पीट कर मारा जा रहा है। शाही इमाम मौलाना हबीबुर रहमान ने कहा है कि हम केंद्र और सभी राज्य सरकारों को कहना चाहते हैं कि माऊ ब्लीचिंग की गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने कभी किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की है, लेकिन अगर शरारती तत्व अपनी सियासी ताकतों का गलत तरीके से इस्तेमाल करके आतंक फैलाना चाहेंगे तो इन्हें घरेलू आतंकियों को उनकी ही भाषा में जवाब दिया जाएगा। शाही इमाम ने कहा कि माऊ ब्लीचिंग की घटनाओं से इंसानियत का सिर शर्म से झुक गया है। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये झारखंड के अंदर जो तबरेज अंसारी को मारा और उसको शहीद कर दिया गया उसके बारे में, और ये पूरे मुल्क में इसी तरह गुंडागर्दी हो रही है। पूरे मुल्क के अंदर मुसलमान, दलित, सिख और घट जिनती के लोग जो हैं महफूज नहीं हैं। मजलिस एहरार जो हिंदुस्तान की तकसीम के वक्त हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और कुर्बानियाँ दी थी, आज पूरे मुल्क के मुसलमानों को और दलितों को सबको एक बात कहना चाहते हैं कि हमारे हकूक है, हम अपने हकूक की खातिर दोबारा से फिर से एक अपने सम्मान की खातिर, अपनी जान की खातिर फिर से एक दोबारा लड़ाई लड़ेंगे।